अगला क्वेश्चन जो है वो है, बहुत बड़ा और मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस वन बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू वन बाई सिक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, नहीं इसमें न कॉमन हो रहा है, नहीं कुछ लेट ले सकते हैं क्योंकि एक्स माइनस फोर अलग हो गया, एक्स माइनस थ्री, चार चार वेरिएबल लेट लेना पड़ेगा जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, बहुत बड़ा एलसीएम आने वाला है यहाँ पे। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू दोबारा लिखना नहीं क्योंकि लिख दिए, एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है तो एक्स माइनस फोर पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है तो ये वाला उतर जाएगा। क्या उतरेगा? एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है तो क्या उतरेगा? एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस यहाँ पे एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर है तो क्या उतरेगा? एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये वाला माइनस है, प्लस मत समझिएगा इसको, ठीक है। अब इक्वल्स टू वन बाई सिक्स, इसको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले इसको पूरा अच्छा से सॉल्व कर देंगे, उसके बाद इसमें हाथ डालेंगे। तो इसको अब अच्छा से सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट क्या है स्टेप? नेक्स्ट सिंपल स्टेप है मल्टीप्लाई, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू वन बाई सिक्स, ठीक है। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करने का हिसाब बता देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस ट्वेल्व, फिर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स, फिर प्लस फोर, इसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस में प्लस टू, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या है? अब इसमें से जो जो एक्स स्क्वायर है उसको जोड़ देंगे, जो जो एक्स है उसको जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो भी होगा, और जो जो नंबर है उसको एक साथ रखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग को अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर जितना है उसको जोड़ लेना है या घटाना है, वह उसको घटा देंगे, और एक्स एक्स वाला जितना भी वेरिएबल है उसको एक साथ ले आएंगे, जोड़ना होगा जोड़ देंगे, घटाना होगा घटा देंगे, और नंबर वाला को भी एक साथ कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी है स्क्वायर और यहाँ पर भी है, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर तीनों जुड़ रहा है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फोर एक्स थ्री एक्स ये माइनस में है, इसको भी जोड़ देंगे, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, तो सबको जोड़ देंगे तो चार तीन सात 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 चार ग्यारह ग्यारह एक बारह बारह तेरह चौदह और चौदह एक पंद्रह, ये सबको जोड़ देंगे तो माइनस पंद्रह एक्स। एक बार और कंफर्म करने के लिए जोड़ लेते हैं, चार तीन सात सात चार ग्यारह ग्यारह एक बारह बारह दो चौदह एक पंद्रह, ठीक है, सिंपल है, जोड़ दिए। अब क्या करना है? जो नंबर है उसको जोड़ देंगे, तो बारह है प्लस में, चार भी है प्लस में, दो भी है प्लस में, सब प्लस में, इसको भी जोड़ देंगे, बारह चार सोलह सोलह दो अठारह, तो इसको भी हम लोग जोड़ दिए, ये हो गया अठारह। अब ये सिंपल बन गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस एटीन, यह ईजिली बन गया हम लोग का। अब क्या करना है? इसमें कॉमन देखना है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस एटीन में कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या है इसमें? इसमें कॉमन है थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, थ्री कॉमन हो गया, ये जो है वो उसी तरह उतर जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू वन बाई सिक्स, तो ये थ्री जो है इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये इधर ही रखने रहने देते, चलिए तो इसको इधर रखा। अब इनमें कॉमन करना है तो प्लस 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 होगा, अब इसमें कॉमन जो निकाल लेना है, प्लस 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 होगा, सिक्स को हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो तीन एक दो तीन एक है, तो अब पाँच लाना है तो तीन प्लस दो पाँच हो जाएगा, तो हम लोग इसी तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। ये वाला स्टेप कैसे हुआ है इससे पहले वाला जो वीडियो है मेरा उसमें देख के समझ में आ जाएगा। तो x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री और ये हो गया x माइनस फोर इक्वल्स टू वन बाई सिक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इतना करने के बाद अब इसमें जो कॉमन है, इसमें जो कॉमन है सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर जो जैसा है उसको उससे उतारना है, ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम लोग कॉमन ले लिए x, तो x माइनस थ्री, उसके बाद हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ पे माइनस टू, तो x माइनस थ्री यहाँ पे भी बचता है। अब बाकी जो है उसी तरह उतार देना है, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर इक्वल्स टू वन बाई सिक्स। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आया, थ्री x माइनस टू और x माइनस थ्री। देखिए x माइनस थ्री, x माइनस थ्री कॉमन, बचा x और माइनस टू। ठीक है, नीचे में है x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री और x माइनस फोर। अब यहाँ पे आया ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है, x माइनस थ्री ऊपर और नीचे कट जाएगा, x माइनस टू ऊपर और नीचे कट जाएगा। देखो ऊपर वो सब मल्टीप्लाई में है, नीचे वो सब मल्टीप्लाई में, तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, थ्री ऊपर रखना है, नीचे में बचा x माइनस वन और यहाँ पे बचा x माइनस फोर इक्वल्स टू वन बाई सिक्स। यहाँ तक होने के बाद अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं, तो हो जाएगा x माइनस वन, एक्स माइनस फोर और यह हो गया बारह छत्तीस अट्ठारह। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फोर इक्वल्स टू एटीन। तो इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर वन फाइव यानी कि माइनस फाइव एक्स प्लस फोर माइनस एटीन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स एटीन प्लस माइनस माइनस है यानी घटा देना है, बड़ा साइन है एटीन का तो माइनस दे देना है, यहाँ पे हो गया फोर्टीन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब फोर्टीन का एलसीएम लेंगे, दो सात एक, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस यानी घटा कर पाँच लेना है, यानी कि सात में से दो घटाएंगे पाँच हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स, तो एक्स माइनस सेवन, इन दोनों में कॉमन आएगा टू, तो एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये एक्स माइनस सेवन और ये एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इतना होने के बाद अब सिंपल है, आइदर और करना है, आइदर एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल्स टू सेवन और इधर करना है और एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। तो दो आंसर आ गया इसका, एक्स इक्वल्स टू सेवन और एक्स इक्वल्स टू माइनस टू।